गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है आपका डेली करंट अफेयर्स शो और आज डेट है 15 जून। ठीक है, तो चलिए 15 जून के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उन सभी को भी हम लोग कवर करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत की किस अभिनेत्री को डैनी काय मानवाधिकार पुरस्कार के लिए चुना गया है। डैनी काय मानवाधिकार पुरस्कार ये यूनिसेफ के द्वारा दिया जाता है और इस बार इसके लिए चुना गया है प्रियंका चोपड़ा को। किसको? प्रियंका चोपड़ा को। प्रियंका चोपड़ा के बारे में बता दें, ये यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर भी हैं। क्या हैं? गुडविल एम्बेसडर। कौन? प्रियंका चोपड़ा, यूनिसेफ की, और इसी कारण से हो सकता है इनको इस बार का डैनी काय मानवाधिकार पुरस्कार भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि DRDO द्वारा हाल ही में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया, इसकी अधिकतम गति क्या अपेक्षित की गई है। यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HSTDV। ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। HSTDV इसका फुल फॉर्म हो गया, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। ठीक है, इसका जो अधिकतम स्पीड का अंदाज़ा लगाया गया है वो है मैक सिक्स। कितना है? मैक सिक्स। इसका हाईएस्ट स्पीड जो हो सकता है मैक सिक्स। अगर किलोमीटर के वाइज में हम लोग इसको आगे तो ये ऑलमोस्ट 7400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पर आवर जा सकती है। ठीक है, 7400 किलोमीटर पर आवर 20 सेकंड में ये मैक सिक्स तक पहुंच सकती है। ठीक है, अगर मैक सिक्स का बात करें तो ये 20 सेकंड में ही पहुंच सकती है, तो इसका इतना स्पीड आंका गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस छात्र ने वर्ष 2019 के JEE एडवांस्ड परीक्षा में टॉप किया। तो JEE आपको पता होगा कि IIT में एडमिशन लेने के लिए JEE एडवांस्ड एग्जाम होता है। ठीक है, तो इसमें किसने टॉप किया? तो इसमें टॉप किया गया कार्तिकेय गुप्ता के द्वारा। किसके द्वारा? कार्तिकेय गुप्ता के द्वारा टॉप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग वर्कशॉप 2019 का आयोजन किस स्थान पर किया। ये किया गया गुरुग्राम में। कौन सा प्रोग्राम? मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग वर्कशॉप गुरुग्राम में आयोजित हुआ और टोटल 29 देशों ने इसमें भाग लिया। कितने देशों ने? 29 देशों ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगजीन की दुनिया की 2000 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा स्थान मिला। तो 2000 सबसे बड़ी कंपनियों का लिस्ट जारी किया गया किसके द्वारा? फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा। और इसमें से जो भारत का सर्वश्रेष्ठ, आप बोल सकते हो यहाँ का सर्वश्रेष्ठ इंडस्ट्री है, सर्वश्रेष्ठ कंपनी है, वो कौन सा है? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, और इसको जो वर्ल्ड लिस्ट में जो इसको स्थान मिला, यानी वर्ल्ड लेवल पे जो इसको स्थान मिला है वो है 71वां। कौन सा स्थान मिला है? 71वां, यानी टॉप 2000 कंपनीज में 71वें स्थान पे रिलायंस है। तो पहले पोजीशन पे कौन है? पहले पोजीशन पे चाइना का एक कंपनी है ICBC। ठीक है, ICBC ये है पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे है JP Morgan। ठीक है, JP Morgan। ठीक है, और तीसरे स्थान पे है चाइना कंस्ट्रक्शन। यानी इसमें टॉप 10 में बहुत सारे कंपनीज चाइनीज हैं। ठीक है, चाइना कंस्ट्रक्शन, ये तीन कंपनियां हैं जिसको आपको याद रखना है, रेस्ट को आपको याद रखने का कोई उतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार बड़ी सबसे बड़ी कंपनियां हैं चाइना की ICBC, दूसरे नंबर पे हैं JP Morgan, तीसरे नंबर पे हैं चाइना कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और भारत से एकमात्र कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और ये है 71वें स्थान पे। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के लोथल के प्राचीन भारतीय स्थल पर एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना में भारत और किस देश मिलकर काम करेंगे। यानी लोथल, आप जानते हो लोथल क्या है? लोथल हड़प्पा कालीन सभ्यता का डॉकयार्ड था। ठीक है, तो लोथल पर प्राचीन भारतीय स्थल है ये एक, और यहाँ पर एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना किया जाना है। इसमें भारत और कौन सा देश मिलकर साथ में काम करेंगे? ये भारत और पुर्तगाल। कौन सा देश? भारत और पुर्तगाल। कहाँ बनाने जा रहे हैं? ये है लोथल में, जो गुजरात में स्थित है। ठीक है, क्या बनाने जा रहे हैं? राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने इंडोनेशिया और किस देश के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर असम में धान मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की है। धान मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? ये हुई है असम में। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही बन सकता है, ये कहाँ हुई है? ये हुई है असम में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इससे ये बनता है कि किस विश्वविद्यालय ने, तो दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय वन्यजीव संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने इंडोनेशिया और किस देश के साथ मिलकर, तो इंडोनेशिया और अमेरिका के साथ मिलकर, किसके साथ? अमेरिका के साथ मिलकर, तो इंडोनेशिया और अमेरिका के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नई मेंढक की प्रजाति की खोज की है जिसका नाम है धान मेंढक। और ये कहाँ खोजा गया? ये खोजा गया असम में। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आई होप कि अब आपको सारा याद हो गया होगा, ठीक है। तो धान मेंढक की प्रजाति खोजी गई है, अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिक्रीलेटा एसिनी। क्या है नाम इसका? मैं लिख देता हूँ हिंदी में ही, ठीक है, मिक्रीलेटा एसिनी, ठीक है, मिक्रीलेटा एसिनी, आप इसको नोट डाउन कर लेना, मिक्रीलेटा एसिनी, ये है इसका नाम जो रखा गया, मिक्रीलेटा एसिनी, ठीक है, जो धान मेंढक का एक नया प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व कप 2019 में भारत न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में होने वाला मैच बगैर टॉस हुए ही बारिश के चलते रद्द हो गया, जिसके बाद दोनों टीमों को कितने पॉइंट्स मिले हैं? तो अभी आपको पता है एक वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, इसमें से अभी जो मैच होने वाला था वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में होने वाला था, लेकिन बारिश के कारण ये मैच रद्द हो गया, यानी ये मैच नहीं हो पाया। तो अब आपको ये बताना है कि कितने कितने पॉइंट्स दोनों को दिए गए। तो एक एक पॉइंट्स दोनों को दिए गए, एक पॉइंट भारत को और एक पॉइंट न्यूजीलैंड को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय यातायात और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर उत्तर एवं दक्षिण सिरों को जोड़ने के लिए कितने नए पुल बनाए जाएंगे। तो कहाँ पुल बनाए जा रहे हैं? ये बनाए जा रहे हैं असम में। क्यों बनाए जा रहे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी पर उत्तर एवं दक्षिण सिरों को जोड़ने के लिए, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन किसने दिया? नितिन गडकरी ने, जो हमारे केंद्रीय यातायात और राजमार्ग मंत्री हैं, क्लियर। तो कितने नए पुल बनाए जा रहे हैं? दो नए पुल बनाए जा रहे हैं। कितने नए पुल? दो नए पुल बनाए जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। और असम अगर चर्चे में आया है, दो बार चर्चे में आ गया, तो असम का सीएम कौन है ये आपको पता है? कौन है? ये है सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन है कि विश्व भर में बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है? बाल श्रम निषेध दिवस, आप जानते हो हम कानून भी है कि 14 वर्ष से छोटे बच्चों को जो फैक्ट्री वगैरह में काम है वो नहीं करवाना चाहिए और इनको शिक्षा की तरफ भेजना चाहिए। तो बाल श्रम निषेध दिवस पूरे वर्ल्ड भर में किस दिन को मनाते हैं? ये मनाते हैं 12 जून को। कब मनाते हैं? 12 जून को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी टेक बी नामक पहल शुरू करने के लिए तैयार है? कौन सी कंपनी? तो यह है HCL। HCL कंपनी टेक बी नामक पहल शुरू करने के लिए तैयार है। अब टेक बी पहल है क्या? टेक बी पहल है ये लोकल यानी रूरल जो भी यंगस्टर्स हैं, ठीक है, उनको बिजनेस का शिक्षा देकर, उनको टेक्नोलॉजी का शिक्षा देकर काम देना, यह है HCL का पहल टेक बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 जून को। तो दो डेट आपने आज पढ़ा, 12 जून और 14 जून। 12 जून को बाल श्रम निषेध और 14 जून को रक्तदाता दिवस, ठीक है, ब्लड डोनर डे। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत किसानों द्वारा प्रति माह कितने रुपए का योगदान करना होगा? यानी किसानों को कितने रुपए का योगदान करना होगा प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए? तो यह है 100 रुपए, ठीक है। किसानों को प्रत्येक मंथ 100 रुपए का योगदान करना होगा और जितना किसान योगदान कर रहे हैं इतना ही सरकार भी योगदान करेगी। और जब इनका एज 60 साल का हो जाएगा, 60 वर्ष के बाद इनको 3,000 रुपये पर मंथ पेंशन के रूप में मिलेगा, ठीक है। और ये काम कर कौन रही है? तो ये काम कर रही है LIC, ठीक है, LIC
काम इस काम को कर रही है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवात वायु के लिए नारंगी चेतावनी जारी की है। खतरे के उच्चतर स्तर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चेतावनी जारी की जाती है? तो वायु मैंने आपको बताया हुआ था, चक्रवात वायु अभी गुजरात में आया हुआ है। कहाँ पे आया हुआ है? गुजरात में, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था पहले भी, ठीक है। तो वायु के लिए जो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है वो है नारंगी का। कौन सा? नारंगी, नारंगी चेतावनी। अब आपको ये बताना है कि इसमें जो हाईएस्ट लेवल हो सकता है चेतावनी का वो क्या हो सकता है, वो होता है लाल, ठीक है। लेकिन आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे यहीं से है, मैं एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूँ। अगर आप सीरियसली वीडियो को पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो और जो भी चीज़ों को मैं बताता हूँ आप याद रखते हो, तो आज आप कमेंट में आंसर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आज मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि कितने तरह का टोटल ये जो चेतावनी होता है, ये कितने तरह का चेतावनी होता है और किस कलर का क्या मतलब होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो वर्ष 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, कौन है ये? ये है अमिताभ घोष। देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना वो मैं दो बार तीन बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके एग्जाम में ये कतई ना छूटे, ठीक है, आपको बहुत कॉमन लगने लगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा 2018 का किसको? अमिताभ घोष का। चलिए, तो कल मैंने आपको सिर्फ, कल या परसों मैंने सिर्फ अमिताभ घोष का नाम बताया था, आज इसके बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं, ठीक है। अमिताभ घोष जो है ये इंग्लिश राइटर है, ये मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के इंडियन राइटर है और ये पहले ऐसे इंग्लिश मीडियम के राइटर होंगे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। दूसरा बात आपको याद रखना है, इनको कितनवां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इनको 54th यानी 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कितनवां मिला है? 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को 2018 का मिला है, ठीक है। इसके बाद तीसरा चीज़ आपको याद रखना है कि ये बेसिकली हैं कहाँ से? तो ये हैं कोलकाता से। कहाँ से हैं? कोलकाता से ये हैं और ये इंग्लिश फिक्शन राइटर हैं, ठीक है। और अब आगे कुछ कुछ इनका बुक है जो आपको याद रखना है, ठीक है, जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इनका पहला बुक कौन सा था, इनके लाइफ का इनका पहला बुक कौन सा था? तो पहला बुक था द सर्कल ऑफ रीज़न। क्या था नाम पहले बुक का? द सर्कल, ठीक है, सर्कल ऑफ रीज़न। ये आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये इंग्लिश राइटर है और इनका पहला जो बुक था वो था द सर्कल ऑफ रीज़न, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए और एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं। इसमें से जो पहला बुक है वो है द शैडो लाइन, ठीक है। इससे पहले जो मैंने बताया द सर्कल ऑफ रीज़न, ये अमिताभ घोष का जब करियर स्टार्ट हुआ राइटिंग के फील्ड में उनका पहला बुक था, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये उन्होंने पूरी ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट बुक लिखा है वो आप नोट डाउन कर लो, द शैडो लाइन। द शैडो लाइन ये इनका एक बहुत ही खास बुक है। उसके बाद द ग्लास पैलेस, द ग्लास पैलेस, ठीक है, द ग्लास पैलेस, सी ऑफ पोपीज, ठीक है, सी ऑफ पोपीज, सी ऑफ पोपीज, ठीक है। कुछ कुछ बुक हैं जो उसको आपको याद रखना है। और दो और बुक है, रिवर ऑफ स्मोक, क्या है नाम इसका? रिवर ऑफ स्मोक, रिवर ऑफ स्मोक, धुआं की नदियाँ, ठीक है, रिवर ऑफ स्मोक। हंगरी अ टाइड, ठीक है, हंगरी टाइड, ठीक है, हंगरी टाइड। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है जो इन्होंने लिखा। एक बार फिर से आप नाम सुन लो, मैंने क्या बताया, पहला बुक इनके लाइफ का जो पहला बुक था वो था द सर्कल ऑफ रीज़न, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि इनका इंपॉर्टेंट बुक ये है द शैडो लाइन, द शैडो लाइन, ठीक है, द शैडो लाइन। तीसरा मैंने क्या बताया, सी ऑफ पॉपीज, ठीक है, सी ऑफ पॉपीज, सी ऑफ पॉपीज, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, रिवर ऑफ स्मोक और हंगरी टाइड, ठीक है, रिवर ऑफ स्मोक और हंगरी टाइड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है जो इन्होंने अपने लाइफ में लिखा है, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन बस इतना ही क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं।
ठीक है। चलिए कल होने वाला है आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट, जिसमें हम लोग दोनों तरह के क्वेश्चंस लेंगे, यानी अभी जो आपका चल रहा है इसका भी लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग का लास्ट सिक्स मंथ का सेशन चल रहा है वहाँ से भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक है। कुछ आपके सीएम्स भी उसमें होंगे, तो जितना चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जनजाति भी होगा आपका कुछ, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। और ये होगा टॉप 50 क्वेश्चंस जो हम लोग कल टेस्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप सब इसमें पार्टिसिपेट करोगे और आप सब अच्छे स्कोर भी करोगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।